नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कान्हा कंपटीशन क्लासेज मालपुरा के यूट्यूब चैनल कान्हा क्लासेज मालपुरा पर। दोस्तों, राजस्थान के कला एवं संस्कृति के टॉपिक में आज हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। पहली बात, लोक देवता या लोक देवियां कहते किसे हैं? तो वो महान स्त्री या पुरुष जो मानव रूप में जन्म लेकर जिन्होंने अपने जीवन में असाधारण कार्य और लोकोपकारी कार्य किए, जो हम एक आम मानव नहीं कर सकता वो कार्य उन्होंने कर दिए, उनको फिर बाद में आम जनता ने देविक अंश के रूप में पूजना प्रारंभ कर दिया, इसीलिए उनको लोक देवता कहा गया। जगह जगह उनके मंदिर बना दिए गए, इसलिए उनको क्या कहा गया, लोक देवता या लोक देवियां। तो लोक देवताओं की बात करें राजस्थान में, तो पहला नाम आता है पांच पीरों का। पांच पीरों के लिए एक दोहा कहा गया है, पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जियो गोगाजी जेहा। ये पांच पीर है, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी, मांगलिया और ये पांचवे हैं गोगाजी। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पीरा के पीर बाबा रामदेव जी के बारे में। दोस्तों, बाबा रामदेव राजस्थान में जिन्हें पीरा का पीर कहा गया है, बाबा रामदेव जी इन्हें पीरा का पीर कहा गया है। इनका जन्म हुआ था उरू काश्मीर गांव वर्तमान में है बाड़मेर में। जन्म हुआ इनका बाबेरी बीज एक त्योहार मनाते हैं भाद्रपद महीने में, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 1409 और ईस्वी सन -57 कर दो 1352। बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। इनकी जो कर्म भूमि रही वो जैसलमेर रही, यहां पर केवल इनका जन्म हुआ। जन्म यदि हम देखें, पिता का नाम, इनका पारिवारिक बैकग्राउंड देखें, तो पिता का नाम था अजमल जी तंवर, यानी बाबा रामदेव तंवर वंशीय राजपूत थे। माता का नाम मैणा दे, पत्नी नेतल दे। ये थी अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में है। अमरकोट के राजा थे दले सिंह सोडा की पुत्री। वर्तमान में अमरकोट पाकिस्तान में है, वहां पर इनका ससुराल था। भाई थे इनके वीरमदेव, ये बलराम के अवतार माने गए हैं और बाबा रामदेव को कृष्ण के अवतार बोलते हैं, बलराम के अवतार। बहने थी इनकी लाचाबाई और सुगनाबाई, बहन एक तो थी सुगनाबाई और दूसरी थी लाचाबाई। धर्म की बहन डालीबाई, और डालीबाई थी मेघवाल जाति से थी। ये इनका पारिवारिक है। इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। बालीनाथ की समाधि है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, आज भी बाबा रामदेव के भक्त पहले बालीनाथ जी के दर्शन करने जोधपुर जाते हैं और उसके बाद ही रुणीचा रामदेवरा जाते हैं। ये तो हो गया इनका पारिवारिक, ये पूरा परिवार आ गया। इनका भाई, माता पिता, गुरु कौन थे, अब हम देखते हैं इन्होंने जीवन में क्या क्या कार्य किए। तो रामदेव जी का जन्म हुआ था बाड़मेर जिले में। बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ उड़ू काश्मीर गांव बाड़मेर में। यहां से जैसलमेर में एक जगह है सातलमेर जगह पर एक राक्षस था, भैरव राक्षस, और बाबा रामदेव जी ने भैरव राक्षस का
वध किया और इसका नाम दिया पोखरण, जो कि वर्तमान में भी इसका नाम क्या है, पोखरण, यानी सातलमेर कस्बे में, ये जैसलमेर में है, जैसलमेर। सातलमेर में भैरव राक्षस का वध करके सातलमेर को क्या नाम दिया, पोखरण। और पोखरण इन्होंने अपनी कुछ किताबें बहन को बोलती है, कुछ किताबें भतीजी को बोलती है, लेकिन इन्होंने कुल मिला के दहेज में दे दिया था। बाबा रामदेव जी के बारे में कुछ बातें करते हैं, तो बाबा रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। और इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, ग्रंथ 24 वाणियां, 24 वाणियां इस ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में बाबा रामदेव जी के क्या है, उपदेश है। इसी के साथ बात करें, बाबा रामदेव जी ने कामड़ पंथ की स्थापना की, कामड़ पंथ की स्थापना। इसे कामड़ जाति की महिलाएं, या कह दो कामड़ पंथ की महिलाएं, बाबा रामदेव जी के मेले में नृत्य करती है, 13 ताली नृत्य। कामड़ पंथ की स्थापना की और कामड़ पंथ की महिलाएं मेले में क्या करती है, 13 ताली नृत्य। इनकी बाबा रामदेव जी की फड़ की बात करें, सर्वप्रथम चित्रण किया था चौथमल चितेरे ने, सर्वप्रथम चित्रण किया था फड़ का चौथमल चितेरे ने, चौथमल चितेरे ने। और फड़ के वाचन की बात करें तो कामड़ जाति के भोपे गाते हैं, कामड़ जाति के भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ फड़ का वाचन करते हैं। इसके अलावा बाबा रामदेव जी ने एक आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन। बाबा रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। इसके अलावा बाबा रामदेव जी को कपड़े का घोड़ा चढ़ाया जाता है, कपड़े का घोड़ा। और बाबा रामदेव जी का घोड़ा था नीला, यानी इनका घोड़ा क्या था, नीला, जिसको कुछ जगह पे लीला भी लिखा गया। बाबा रामदेव जी का घोड़ा नीला। इसके बाद बात करें बाबा रामदेव जी समाधि, तो समाधि ली इन्होंने 1515 विक्रम संवत को। और समाधि किस दिन ली, ये ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को डालीबाई ने समाधि ली थी, और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को बाबा रामदेव जी ने समाधि ली थी। कहां पर ली, राम सरोवर, राम सरोवर तालाब के किनारे रूणीचा, रूणीचारा धनी, यहां पर इन्होंने समाधि ली। वर्तमान में कहां है ये, जैसलमेर, यहां पर इन्होंने जीवित समाधि ली। बात करें इनके मंदिर की, तो मंदिर, एक मंदिर तो है रूणीचा, रूणीचा रामदेवरा जैसलमेर, दूसरा है अजमेर में खुंडियास, खुंडियास, ये है अजमेर।
राजस्थान का छोटा रामदेवरा, राजस्थान का छोटा रामदेवरा, और छोटा रामदेवरा है गुजरात। केवल छोटा रामदेवरा या भारत का छोटा रामदेवरा पूछे तो वो है गुजरात, और राजस्थान का छोटा रामदेवरा पूछ ले तो कहां पर है, कुंडियास अजमेर में। एक इनके गुरु बालीनाथ जी का है मसूरिया पहाड़ी पर मंदिर, समाधि है बालीनाथ जी की और वहीं पर इनका मंदिर भी बना हुआ है, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, बाबा रामदेव जी का मंदिर। और पांचवा मंदिर है सुरता खेड़ा, सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़, ये बाबा रामदेव जी के प्रमुख मंदिर है। अब बाबा रामदेव जी से जुड़ी कुछ शब्दावली, शब्दावली में आते हैं परचा, परचा यानी चमत्कार, परचा यानी चमत्कार। एक शब्द आता है नेजा, नेजा जो बाबा रामदेव जी को पचरंगी ध्वजा चढ़ाई जाती है उसको बोलते हैं नेजा, परचा चमत्कार है, नेजा पचरंगी ध्वजा। एक शब्द आता है जातरू, जातरू बोलते हैं भगत या ये कह दो यात्री, जो बाबा रामदेव जी के भगत है उनको क्या कहा जाता है, जातरू। एक शब्द आता है रेखिया, रेखिया बोलते हैं मेघवाल जाति के भक्त, मेघवाल जाति के भक्त इनको क्या कहा जाता है, रेखिया। एक शब्द आता है जम्मा, जो बाबा रामदेव जी के रात्रि जागरण किए करते हैं उसको बोलते हैं जम्मा। परचा चमत्कार, नेजा पचरंगी ध्वजा, जातरु भगत, रेखिया मेघवाल जाति के भक्त और जम्मा रात्रि जागरण को बोला जाता है। इसके अलावा कुछ चीजें हैं, डालीबाई ने भी समाधि, जल समाधि कहां ली थी, रुणिचा रामदेवरा में, तो डालीबाई का कंगन रखा हुआ है वहां, डालीबाई का कंगन कहां पर है, रुणिचा रामदेवरा जैसलमेर में। ऐसा कहते हैं कि उसमें से निकलने पर सारी सारी जो रोग है शरीर के वो समाप्त तो हो जाते हैं, यानी ठीक हो जाते हैं। तो ये बाबा रामदेव जी का मेला, बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, यहां से मेला प्रारंभ होगा और बाबा रामदेव जी ने समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, यहां तक मेला चलता है और इसे बोलते हैं मारवाड़ का कुंभ, मारवाड़ का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर का मेला, और मारवाड़ का कुंभ कहलाता है बाबा रामदेव का मेला। सांप्रदायिक सद्भाव का मेला, सांप्रदायिक सद्भाव का मेला, बाबा रामदेव जी का मेला। इनको कहा जाता है उपनाम रूणी चारा धनी, रूणी चारा धनी, पीरारा पीर, कृष्ण के अवतार, ये इनके प्रमुख उपनाम है, जो कि एक प्रसिद्ध लोक देवता है, लगभग लगभग आप सभी को पता होगा। तो ये हो गए बाबा रामदेव जी।